अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी सुबह हो गया है और मैं उठ गई हूं और आज हम लोग उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए दोस्तों, अभी बहुत दिनों से हम लोग टहलने के लिए नहीं गए हैं क्योंकि बारिश हो रहा था इसीलिए। तो चलिए, आज बारिश नहीं हो रहा है तो पहले टहल कर आते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, जो हम लोग आलू जगाए थे उसको पूरा मुर्गी लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, पूरा उसको उखाड़ दे रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी पड़ोसी की दादी और ये बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग। तो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब तो लग रहा है कि बारिश नहीं होगा क्योंकि अभी एक हफ्ता से लगातार बारिश हुआ है और अभी तक पूरा रास्ता वगैरह भी कीचड़ कीचड़ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का नदी है और एक दो दिन पहले पूरा भर गया था लेकिन आज थोड़ा नदी कम हो गया है। अब जब बरसात का महीना खत्म हो जाएगा तभी हम लोग जाएंगे नदी में नहाने के लिए। तब तक से नदी का पानी भी साफ अच्छे से हो जाए रहेगा, तब हम लोग को नहाने में भी मजा आएगा। और ये देखिए दोस्तों, हम लोग का खेत कितना अच्छा हरा भरा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, टहलने के बाद अब लग जाते हैं घर के कामों में। तो सबसे पहले मैं आंगन को झाड़ू ही लगा लेती हूँ और अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आंगन को अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं बनता है क्योंकि पूरा कचरा वगैरह भी चिपक जाता है। फिर भी मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ, अच्छे से साफ दिखेगा। और दोस्तों, इधर रोशनी सभी डब्बों में सुबह सुबह पानी भर रही है और मैं इसको बोल रही हूँ कि पानी भरने के बाद थोड़ा बहुत रात का बर्तन है उसको भी धो देना। और इधर दोस्तों, आंगन का झाड़ू भी अच्छे से लग गया है। तो चलिए अब जल्दी से ब्रश वगैरह करके रेडी हो जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं जल्दी से ब्रश वगैरह कर चुकी हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज सुबह का नाश्ता में मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। इधर देखिए, बच्चे लोग को भूख लग रहा है तो उन लोग चाय और बिस्किट खा रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी रोटी को बना देती हूँ, फिर सभी लोग खा लेंगे। दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा रोटी बना लेती हूँ क्योंकि अभी मैं चावल नहीं बनाऊंगी, आज हम लोग थोड़ा दावत में जाएंगे इसीलिए। अगर दोस्तों अभी मैं चावल बनाऊंगी तो पूरा फालतू बच जाएगा और हम लोग को आज शाम को फाथिया वगैरह भी दिलवाना है, तब एक ही बार हम लोग शाम को ही बनाएंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से सुबह का नाश्ता बनाते हैं। तो दोस्तों, आज बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आज हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम लोग भी दावत में जाएंगे। दोस्तों, मैं भी बोल रही हूँ कि ठीक है, आज चलो सभी कोई दावत में चलते हैं, घूम के भी आ जाना, फिर कल से ही स्कूल जाना। दोस्तों, जो मैं पत्ता वाला मेहंदी लगाई थी अपने पैरों में तो बहुत ही अच्छा से हो रहा था और मैं काफी लेट तक मेहंदी को नहीं रखी थी क्योंकि बहुत ही ज्यादा पत्ता वाला मेहंदी से पानी निकल रहा था, लेकिन मैं अपने पैरों में थोड़ा सा ही रखी लेकिन बहुत ही अच्छा से लाल हो गया मेरा पैर। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा रोटी बन के रेडी हो गया है और रोटी बनाते बनाते काफी ज्यादा लेट हो गया है, तो अब चलिए जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चाय और रोटी से नाश्ता करेंगे और चाय और रोटी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। दोस्तों, मैं सोची थी कि रोटी और अचार खाऊंगी लेकिन मैं खाते टाइम अचार को लेने के लिए भूल गई, खाने के बाद मेरे को याद आ रहा है। देखिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मेरे चाचा ससुर लोग के यहाँ दावत में। आज उन लोग के यहाँ प्रोग्राम रखाया हुआ है, एक छोटी सी बच्ची का मुजुठी करवा रहे हैं तो वहीं जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं साड़ी पहनी हूँ, आज मेरे को साड़ी पहनने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था तो मैं सोची की आज मैं साड़ी को ही पहन लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा की आज मैं कैसे दिख रही हूँ। तो चलिए पहले मेकअप लगा लेते हैं हम थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग उधर भी तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों, सासू अम्मा भी बहुत ज्यादा डांट रहे हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा लेट करते हो, मैं चली जाऊंगी, तुम लोग आते रहना। चलिए दोस्तों, अब हम लोग भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिर सभी लोग जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा इस कलर का साड़ी आप सबको कैसा लग रहा है। और आज मेरे को बहुत ज्यादा मन कर रहा था साड़ी पहनने के लिए इसलिए मैं पहन ली।
और इधर देखिए दोस्तों, सासू अम्मा गुस्सा होकर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग आना, मैं जा रही हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा लेट कर देते हो। देखिए दोस्तों, हम लोग सभी लोग अच्छे से तैयार हो गए हैं, तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं। और सभी लोग चल भी गए हैं, रोशनी के दादी लोग, और काफी ज्यादा लेट भी हो रहा है, तो जल्दी से सोच रहे हैं कि जाकर आ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग दावत से आ गए हैं और अभी का टाइम लगभग 4:30 बज रहा है। तो चलिए दोस्तों, घर में भी फातिया दिलवाना है, तो अब जल्दी से सिरनी वगैरह बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से देसी चिकन और पुलाव बना रहे हैं, तो उसी का फातिया दिलवाएंगे। तो पहले पुलाव को ही बनाकर रेडी कर देते हैं, फिर चिकन को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चिकन के लिए मसाला पीसने के लिए। और मेरा वाला जार खराब हो गया है, तो मैं जा रही हूँ बाजी लोग के घर, उन्हीं के घर से पीस के आ जाऊंगी मसाला को। और दोस्तों, आज बार बार लाइट भी बहुत ज्यादा कट रहा है, तो मैं जल्दी से मसाला को पीस लूंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, फिर नहीं तो मेरे को सील में पीसना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला भी अच्छे से पिसा गया है, और ठीक हुआ कि मेरे पिसते तक लाइट भी नहीं कटा। और चलिए दोस्तों, जाकर देखते हैं पुलाव अच्छे से पका कि नहीं, अगर पका होगा पुलाव तो उसको उतार देंगे, फिर चिकन को बनाएंगे। दोस्तों, पुलाव तो बन गया है और सिर्फ चिकन बनाने के लिए ही बच गया है, तो चलिए अब उसको भी बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले चिकन को तल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, चिकन भी अच्छे से तला गया है, तो चलिए अब इसमें मसाला को डाल देते हैं, फिर इसको अच्छे से भूंज के पका लेंगे। देखिए दोस्तों, चिकन भी बन के रेडी हो गया है, और उधर पुलाव भी हम लोग का बन ही गया है। दोस्तों, अभी मगरिब का अजान होगा, फिर उसके बाद हम लोग चिकन और पुलाव का फातिहा दिलाएंगे, फिर सभी परिवार मिल के साथ में खाएंगे, तो आज बहुत ही मजा ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फातिहा दिलवा देते हैं। और सासू अम्मा मन्नत किए थे कि हम लोग का पूरा खेती अच्छे से हो जाएगा, तो हम लोग एक दिन फातिहा दिलवाएंगे। और खेती भी हम लोग का अच्छे से हो गया है, और खेत का काम से हम लोग फुर्सत भी हो गए हैं, तो चलिए अब फातिहा दिलवा ही देते हैं। दोस्तों, फातिहा वगैरह सब कुछ हो चुका है, रोशनी के अब्बू, उसके दादा, बड़े अब्बू लोग सभी लोग खाना खा चुके हैं, और बीच में लाइट वगैरह भी कट गया था, इसके लिए आधा वीडियो हम लोग का शूट नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अब हम लोग बच गए हैं खाना खाने के लिए, तो चलिए अब हम लोग भी जल्दी से खा लेते हैं। इधर सासू अम्मा खाना हम लोग के लिए निकाल ही रही है, तो चलिए अब सब कोई बैठ जाएंगे खाने के लिए। तो दोस्तों, अभी का टाइम लगभग 8 बज गया है, और हम ही लोग खाना खाने के लिए बच गए हैं, तो चलिए अब हम लोग भी जल्दी से खाना खा लेते हैं। और आज इधर सासू अम्मा अपने हाथों से निकाल के सभी लोगों को खिला रही हैं। तो दोस्तों, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है चिकन और पुलाव खाकर, क्योंकि बहुत ही अच्छा हम लोग का चिकन पुलाव बना है। का चिकन पुलाव बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है, और बहुत ही मजा भी आ रहा है खाने में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।